तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे से हो गए। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको एसबीएसई में हीट लोड कैलकुलेशन। जी हाँ दोस्तों, हीट लोड कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एसबीएसई में, आपको जाना बहुत जरूरी है। तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे हो तो देख लो, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैं बहुत सारा स्टेप बाय स्टेप इसमें चलना पड़ता है। तो ये काफी अच्छा एक नॉलेज, मतलब मैं एक्सप्लेन करके बताया हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और मैं एचबीएससी से रिलेटेड मैं बहुत सारा चीज बताते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। स्टेप नंबर जो है वो 10 से स्टार्ट करता हूँ। उसमें मैं 9 में रूम सेंसिबल हीट की बात किया था, इसमें आपका जो है वो रूम लेटेंट हीट, तो इसमें RLH लिख दिया हूँ, रूम लेटेंट हीट। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ देखो, अब इसमें दो चीज आता है, एक आपका आएगा पीपल और दूसरा आएगा आउटसाइड एयर। पीपल के लिए क्या होता है, आपका जैसे एक रूम है, ठीक है, एक रूम के अंदर आपका कितना लोग इसके अंदर है उसके बारे में है। ठीक है, कितना लोग, मतलब जैसे मॉल है या ऑफिस है तो 50 लोग हैं उसमें रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हीट लोड निकलता है। एक आउटसाइड एयर के लिए भी निकलेगा आपका, जो आउटसाइड का जो बाईपास एयर जो होगा उसके लिए। ठीक है, तो इसमें देखो मैं फर्स्ट स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट बताऊंगा पीपल के लिए। इसमें टोटल लेटेंट हीट फ्रॉम पीपल, ठीक है, तो टोटल लेटेंट हीट फ्रॉम पीपल मतलब लेटेंट हीट पीपल से कितना आ रहा है उसके बारे में उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो लेटेंट हीट फ्रॉम ईच पर्सन ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसमें देखो आपको शायद दिख रहा होगा, हाँ मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, और मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब ऊपर तो हो गया, यहाँ पे जो है आपका, मैं थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ, इसमें है रेफर इसरे डाटा हैंडबुक। अब रेफर इसरे डाटा हैंडबुक इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें आपका जो है ये सब ईच पर्सन ऑफ कितना जो हीट लोड आता है वो इसरे डाटा हैंडबुक में ही दिया रहता है। ठीक है, तो ये टेबल नंबर मैं लिख दिया हूँ, टेबल नंबर 1T24 पेज नंबर 1.26। अब उसमें बैंक के लिए और पर्सन के लिए उसमें दिखाएंगे कि कैसे क्या है। ठीक है, देखो इसरे का डाटा हैंडबुक मैं देने की बात किया था, तो मैं इसी का डाटा हैंडबुक आपको दे दिया हूँ, आपको एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ कैसे क्या है, तो आप जरूर देखना। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक के लिए लिख दिया हूँ, या पर्सन, कितने पर्सन के लिए, तो यहाँ पे इतना इतना लिखा हुआ है। मैं आपको लेकर जा रहा हूँ कि डाटा हैंडबुक में कैसे क्या कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, टेबल नंबर है 1T20। तो यहाँ पे मैं डाटा का, इस बुक का, हैंडबुक का डाटा मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो बैंक के लिए मैं दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपका 245। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 245 दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी मैं कर दिया था। सेंसिबल में लेटेंट में दोनों आता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों आपका है, देखो टेबल नंबर 1T24 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख दिया था, थोड़ा जूम इन हो गया, जूम आउट। ठीक है, 224, ये 225 × 25, मतलब ये पर्सन 25 बैंक के अंदर रहेगा, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये BTU पर आवर में आएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूंगा दोस्तों सेकंड जो है, इसमें आउटसाइड एयर के लिए मैं बात किया था, तो आउटसाइड एयर के लिए मैं लिख दिया हूँ, ये आउटसाइड एयर लेटेंट हीट में आ जाएगा बाईपास एयर। ठीक है, बाईपास एयर का जो है आपका फॉर्मूला यूज होता है, तो ये 0.68 × CFM × ΔHR बाईपास फैक्टर। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आपको दिख रहा होगा। तो इसके बाद आप देखो इसमें कैसे कैसे वैल्यू को मेन जो है पुट करना होता है, क्योंकि इतना कोई एक्सप्लेन से आपको नहीं बता सकता होगा, तो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये CFM का जो बात आती है, तो स्टेप नंबर 6 में मैं बता दिया था। ठीक है, और ये स्टेप नंबर आपका फर्स्ट में डेल्टा, ये डिफरेंस ह्यूमिडिटी रेशियो का जो है वो उसमें दिया हुआ है। स्टेप नंबर 7 में आपका बाईपास फैक्टर के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, आपको प्रीवियस में मैं बता दिया हूँ, वहाँ पे आप देख लेना, तो ये आपका ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं ये बताता हूँ तो कैसे। दोस्तों यहाँ पे अब मेन जो है वो आपको दोनों ऐड करना पड़ेगा रूम लेटेंट हीट में। ठीक है, रूम लेटेंट हीट निकलेगा आपका जो, वो दोनों ऐड करना पड़ेगा, तो ये मैं दोनों ऐड कर दिया हूँ। यहाँ पे देखो ये वैल्यू और ये, इसमें आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद का स्टेप मैं बता रहा हूँ कि देखो अब यहाँ पे देखो क्या होता है, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। देखो हाँ, यहाँ पे रूम लेटेंट हीट की बात आती है, तो रूम लेटेंट हीट में आपका 67.52 आ गया। ठीक है, BTU पर आवर में,
उसके बाद आपका ये आएगा इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट, ठीक है। तो इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट जो है वो आपको इसमें 10% रूम लेटेंट हीट ऐड हो जाएगा। FOS का जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो है वो 10% इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी का है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऐड होगा यहाँ पे। ये रूम लेटेंट हीट का है तो रूम लेटेंट का इसमें ऐड होगा। उसमें रूम सेंसिबल का था तो स्टेप नंबर 9 में रूम सेंसिबल ऐड होगा, ठीक है। तो ये आपका इफेक्टिव वाला निकल जाएगा, यहाँ पे लेटेंट है उसमें सेंसिबल होगा, तो ये आपका इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट आपका निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट निकलने के बाद एक और चीज़ इसमें निकालना पड़ेगा, जो आपको इफेक्टिव रूम टोटल हीट, इफेक्टिव रूम टोटल हीट में क्या करना पड़ेगा, आपका जो रूम के अंदर टोटल हीट है इसमें लेटेंट और सेंसिबल दोनों था, तो इसमें देखो इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट जो है वो आपका ये आ गया, ठीक है। उसके बाद दोनों को ऐड करने के बाद ये आपका वैल्यू ये आ गया, ठीक है। इफेक्टिव रूम टोटल हीट मतलब रूम के अंदर कितना आपका हीट होगा वो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, और इसमें मैं अब नेक्स्ट ने लेके चलूँगा जो स्टेप नंबर है वो 11 है। और आप मेरे अभी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, ठीक है, और एक लाइक कर देना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे से आप कांटेक्ट मतलब मैसेज करें कि ये चीज़ ऐसा है, या आप कुछ पूछ सकते हो, या नंबर भी मुझसे ये कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो। एक और चीज़ रह गया था, इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट और इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट को ऐड करने के लिए आपको मैं पहले बता दिया, बट इसमें एक चीज़ और आ जाता है इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर। ये फॉर्मूला आपको पूछ भी सकता है क्वेश्चन, मतलब आप इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखना, इफेक्टिव सेंसिबल डिवाइड बाई इफेक्टिव लेटेंट, ठीक है। ये नहीं, इफेक्टिव रूम सेंसिबल डिवाइड बाई इफेक्टिव रूम टोटल हीट, तो यहाँ पे आपका टोटल हीट है वो सेंसिबल और लेटेंट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये इन केस आपका जो है ये आपको पूछ देगा कि एक ग्रेटर देन इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट जो है वो बड़ा मतलब ये छोटा होता है 1 से समर केस में, ठीक है, तो ये आप बता देना। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा स्टेप नंबर 11 की। स्टेप नंबर 11 में यहाँ पर लिख दिया हूँ, आपको दिख रहा होगा आउटसाइड एयर लोड के लिए, आउटसाइड का जो एयर है उसका लोड के लिए। तो इसमें देखो लोड ही लोड है दोस्त, और ये लास्ट ही है आपका, मतलब इसके बाद एक और एक दो स्टेप और है, ठीक है, दो ही स्टेप है, तो बहुत वो छोटा सा है। तो चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखो इसमें क्या है, स्टेप नंबर 11 में आउटसाइड एयर लोड के लिए विथ कम इन कॉन्टेक्ट विथ क्वाल, क्वाल के जो अंदर क्वाल के कॉन्टेक्ट में जो है उसके बारे में, ठीक है। तो क्वाल का मेन निकालना है इसमें, देखो आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट क्वाल के लिए, ये सी लिख दिया क्वाल के लिए, ये फॉर्मूला होता है 1. मैं अच्छा से इसको लिख देता हूँ 1.08 इंटू सी एफ एम इंटू डेल्टा टी इंटू ये डेल्टा टी इंटू 1- बाईपास फैक्टर, ठीक है। उसी तरह मैं वैल्यू को पुट कर दिया हूँ और यहाँ पे वैल्यू को लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट के लिए तो निकाल दिया, आउटसाइड लेटेंट हीट के लिए निकालेंगे, तो उसी तरह इसका फॉर्मूला अलग है, तो ये 0.68। ये फॉर्मूला पूछ भी सकता है आपको, जो मैं पहले भी फॉर्मूला बहुत सारा लिखा उसमें क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि आप डिजाइनिंग में जाओगे दोस्त तो ऐसा ही है। बट मैं साइट पे भी मैं पूरा बताऊंगा आपको डिटेल के बारे में, ठीक है। तो ये देखो ये आपका निकल गया, यहाँ पे आउटसाइड एयर लेटेंट हीट आपका जो है ये मेन निकलता है आपका, नहीं आपका ये आउटसाइड एयर लेटेंट हीट का जो है वो कॉइल के कॉन्टेक्ट में, उसका मैं वैल्यू पुट कर दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं, ये स्टेप आपका पूरा हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप की बात करूँगा। नेक्स्ट स्टेप मैं थोड़ा नीचे नज़दीक से मैं कर दिया हूँ, ठीक है। स्टेप नंबर है यहाँ पे 12 हो जाएगा आपका, ठीक है 12, ठीक है। ये स्टेप नंबर 12 है टोटल हीट, इसमें टोटल हीट जो है अब मेन आपका जो TR जो निकलता है टन में वो निकालना होता है, तो इसके लिए आपको मेन यहाँ से ही आपको समझना होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा दूर से कर दे रहा हूँ, चाहे नज़दीक से ही देख लो। ये टोटल हीट के लिए आपका फॉर्मूला जो है ये पूरा आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये शायद आपको ब्लर हो रहा होगा थोड़ा, ठीक है। ये टोटल के लिए आपका जो है ये पूरा आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। टोटल के लिए मैं यहाँ पे लिख दिया, आप यहाँ पे देखो होता क्या, टोटल के लिए आपका वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इसमें मेन जो है आपका ये निकलेगा ग्रांड टोटल, ग्रांड टोटल से आपका क्या वैल्यू निकलता है वो मैं बताऊँगा। ग्रांड टोटल में आपका जो है देख लो, ग्रांड टोटल में जो TG जो है TTH है टोटल हीट जो पहले मैं आप निकाला हूँ ये वैल्यू, ठीक है। ये आपको प्लस में 5% इसमें ग्रांड टोटल और ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये आपका मेन वैल्यू आपका निकल के आ गया, ये देखो ग्रांड टोटल का GTH में लिख दिया हूँ,
ये BTU पर आवर में है। बस अब ये नेक्स्ट जो है आपका वो TR में जो टन में निकलता है उसका मैं वैल्यू निकाल के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ और, मैं गल्फ़ के रिगार्डिंग में जॉब के बारे में बताते रहता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं दे दिया हूँ, वहाँ पर आप जाकर जरूर देख। तो इसमें आपको दिख रहा होगा, अब मैं यहाँ पर ये जो है कूलिंग कैपेसिटी TR में, जो कूलिंग कैपेसिटी है आपका जो भी प्रोजेक्ट का रूम आपका निकल के आएगा वो TR में निकल के आता है, कितना टन का आपका AC लगेगा, ठीक है। तो ये देखो, अब इसमें ग्रांड टोटल हीट डिवाइड बाई 12,000, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका कूलिंग कैपेसिटी TR का। तो ये आपका इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे मैं वैल्यू को पुट कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आपका TR में 27.45 आ गया, ठीक है। तो इसमें अब नेक्स्ट जो आएगा ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। थोड़ा सा जूम इन भी कर देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, देखो ये पूरा मैं लिख दिया हूँ फॉर्मूला, क्लियरिटी आपका, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बात करूँगा इसका स्टेप नंबर 13 का, इसमें कुछ नहीं है, ये लास्ट ही है। इसमें देखो नज़दीक से ही करके मैं दिखा दे रहा हूँ, डिह्यूमिडिफाइड CFM, CFM ये निकालने के लिए मेन फार्मूला आपका ये है। CFM कैसे निकालता है ये फार्मूला, इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट डिवाइड बाय 1.08 इंटू DTR, ठीक है। तो इसमें आपका ये वैल्यू आपको यहाँ पे पूरा पुट करना पड़ेगा। DTR क्या होता है, इसमें डिह्यूमिडिफाइड टेम्परेचर राइज, जो टेम्परेचर राइज कर रहा है उसका डिह्यूमिडिफाइड। DTR का जो है आपका एक, सॉरी, आपका एक जो है ना ये वैल्यू भी आपको फार्मूला आ जाता है, वन माइनस बाईपास फैक्टर मल्टीप्लाई रूम DBT माइनस ADP। अब पता चला ADP क्या होता है, ADP भी आपको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू को पुट कर दिया हूँ, मैं बता दूंगा आगे ADP क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ADP का मैं लिख दिया हूँ फुल फॉर्म, अपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है, क्वाल अदर सरफेस एंड टेम्परेचर विद द डिफॉर्मेशन, मतलब डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है वो उसके बारे में। तो इसका ज़्यादा आप कुछ नहीं जानो, ADP का आपका 54% ये 54 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑलवेज वैल्यू पुट करते हैं। तो ये टेबल नंबर में आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे, तो आप ये यही याद रखना, ठीक है। मेन जो है आपका इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट पहले आपका जो था वो आपको मैं बता दिया हूँ, ठीक है। CFM में है आपका, CFM में इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट का ये आपको वैल्यू पुट करके मैं यहाँ पर आपका CFM ला दिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्त। तो मैं अगला वीडियो में आपको एक अच्छा सा प्रोजेक्ट का पूरा मैं डिटेल मैं बताऊंगा, और एक्सेल शीट पे बात आती है, एक्सेल शीट भी मैं आपको पूरा अच्छा से उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर ये वीडियो आपको नहीं अगर समझ में आता था, मतलब आप नहीं देखे, तो आपको वहाँ पर मुश्किल हो जाता है थोड़ा, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी था। दूसरी बात है कि मैंने एक वीडियो से मैं थोड़ा अब रेविट सॉफ्टवेयर उसमें 3D में पूरा दिखाता है, तो उसका मैं वीडियो स्टार्ट कर दूंगा, उसमें आपको पता चलेगा कैसे क्या कहाँ पे AC का वर्क कैसे होता है, चिल्लर का क्या होता है। तो उसमें मैं पूरा 3D में शो करता है, तो वही वीडियो स्टार्ट करूँगा दोस्त। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि मैं पूरा डिटेल बताते रहता हूँ दोस्त। थैंक यू मेरे दोस्त।